प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है दूसरी कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 10 वचन 5 में इस तरह लिखा है, इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उड़ती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीहा का आज्ञाकारी बना देते हैं। वी डिमोलिश आर्ग्यूमेंट्स एंड एवरी प्रिटेंशन दैट सेट्स इटसेल्फ अप अगेंस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड एंड वी टेक कैप्टिव एवरी थॉट टू मेक इट ओबीडियंट टू क्राइस्ट। प्रेरित पौलुस तीन बातों के बारे में बता रहे हैं। पहली बात है हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उड़ती है खंडन करते हैं। आज मनुष्य बहुत सारे कल्पनाएं करता है अपने मन में, मैं वो करूँगा, ये करूँगा, कल वहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा। उसी तरह हर एक ऊंची बात अपने बारे में बहुत बड़ाई बोलना, मैं ये हूँ, वो हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इस तरह घमंड को दिखाना। और एक बात पौलुस ने कहा है कि हर एक भावना को कैद करके मसीहा का आज्ञाकारी बना देते हैं। क्या लिखा है? हर एक भावना को कैद करके। आज मुझे कुछ लोग फ़ोन करके बताते हैं, भाई बुरे विचार आते हैं, व्यभिचार के सोच आते हैं, शादी हुआ है फिर भी आते हैं, क्या करें। कुछ जवान लड़के कहते हैं शादी नहीं हुआ है लेकिन बुरे विचार आते हैं, स्मार्टफोन में पोर्नोग्राफी देखता हूँ, पोर्नोग्राफी देखे बिना नहीं रह सकता, मुझे बुरे विचार आते हैं, बुरे सोच आते हैं, क्या करें। आपका जवाब यही लिखा है बाइबल में कि हर एक भावना को कैद करके मसीहा का आज्ञाकारी बना देते हैं। क्या करना है? जब बुरा विचार आया है तब पहले उस बुरा विचार को पकड़कर परमेश्वर के पास लाकर प्रभु यीशु के चरणों के पास रखकर प्रभु इस बुरे विचार से, इस पाप से, इस अभिलाषा से मुझे छुटकारा दीजिए। उसी तरह जो बातें परमेश्वर के अगेंस्ट आते हैं, कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर के अगेंस्ट गालियां आते हैं मन में, क्यों ऐसा होता है? मैं कहता हूँ शैतान आपको परमेश्वर को गाली देने के लिए आपका मुँह इस्तेमाल कर रहा है, बहका रहा है। आप उस विचार को परमेश्वर के पास रखकर उपवास रहकर प्रार्थना कीजिए। सच में होता है कुछ लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध बात करना, परमेश्वर को कोसना, परमेश्वर पर गालियां देना या व्यभिचार के सोच में झूठे बोलना, गालियां देना। जब ये सब विचार, सब बातें आते हैं तब उनका मन बिगड़ जाता है, क्या करें मालूम नहीं होता। उन लोगों के लिए वचन में लिखा है कि हर एक विचार, हर एक सोच या कल्पना होती है तो लेके आइए परमेश्वर के चरणों के पास रखिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे विचार बहुत सताता है, आप मुझे इस विचार से छुटकारा दीजिए, आप मुझे मदद करिए। घुटनों पे आइए, उपवास रहिए, रोइए परमेश्वर से, प्रार्थना करिए, ज़रूर परमेश्वर आपको उस बंधन से बाहर लेके आएंगे। बहुत बार दुष्ट आत्मा का प्रभाव से ऐसा होता है, दुष्ट आत्मा जब आप पर आती है तो परमेश्वर को बहुत कोसता है आपके मन में आकर और आपको बोलता है परमेश्वर को कोस, परमेश्वर को गाली दे, परमेश्वर को डांट। कभी भी परमेश्वर को कोसिए मत, निंदा मत करिए, परमेश्वर को महिमा दीजिए। परमेश्वर जो भी करता है मेरे भलाई के लिए करता है, मैं तेरा बहुत आभारी हूँ, ये जीवन देने के लिए धन्यवाद पिता। इस तरह परमेश्वर से आप प्रार्थना विनती करिए। देखिए कई बार शैतान आपके विचारों में, आपके सोच में, आपके कल्पनाओं में आकर आपको सताता है, आपको डिप्रेशन में लेके जाता है। इसीलिए आपका सोच, आपका कल्पना और आपका विचार परमेश्वर के अधीन होना चाहिए। आज बहुत लोगों को शैतान बोलता है तू खा पी एंजॉय कर, वो कपड़े पहन, वहाँ घूम, यहाँ जा, फिल्म्स देख, कुछ नहीं होता, परमेश्वर माफ़ करता है, तू व्यभिचार कर, तू शराब पी, तू इधर इधर घूम। इस तरह शैतान बहुत जवान लोगों को बहकाता है, अगर आप शैतान की बात मानते हैं फंस जाते हैं। इसीलिए हर एक काम करने से पहले, जब भी कोई विचार आती है कुछ काम करने के लिए, पहले परमेश्वर के पास रखकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु क्या ये काम करूं या नहीं, मुझे ये विचार आ रहा है क्या ये सही है या गलत है। प्रार्थना में रखकर परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर आपको सच और झूठ का फ़र्क बताएगा, सही क्या है, गलत क्या है, कौन से काम में पाप है, किस काम में पाप नहीं है। हर एक भी परमेश्वर आपको बहुत सरल रीति से बताने वाले हैं। कब बताएंगे? जब आपका सोच विचार परमेश्वर के पास लाकर रखते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं, बाइबल अच्छी तरह से जब पढ़ेंगे तो आप इस शैतान के जाल से
बच जाएंगे। देखिए आज बहुत से लोग इस जाल में फंसे हैं। क्या है वो? अपने सोच में पाप करते हैं। यीशु मसीह ने कहा कोई व्यक्ति अगर एक स्त्री पर कुदृष्टि डाले, उसे बार बार अपने नज़रों से देखे व्यभिचार के सोच से, तो वो अपने मन में व्यभिचार किया है। शायद फिजिकली शारीरिक तौर पर उसने व्यभिचार ना किया हो, लेकिन मन में उसने उसके नज़रों के द्वारा, उसके भावनाओं के द्वारा, स्त्री को देखने के द्वारा व्यभिचार करता है। कभी भी आपके नज़रों से व्यभिचार मत करो, आपके भावनाओं से, आपके सोच से, आपके चाल चलन से पाप मत करिए। आपके दिल के अंदर के हर एक बात को परमेश्वर परखता है, इसीलिए अपना दिल पवित्र बनाए रखो। बहुत लोग नहीं जानते कि वो शैतान के जाल में है, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन शैतान के जाल में से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि उनका भावना, उनका विचार, उनका कल्पना परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं है, शैतान के कंट्रोल में है। आज परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर ज़रूर इस बंधन से छुड़ाएंगे। आंखें बंद करिए। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आज तेरे चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जितने भी लोग प्रभु व्यभिचार के सोच से या नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन, इस तरह के हर एक भावना को उनके मन में से निकाल दे। उनके मन में जो भी शैतान ने रखा है, उस सारे हर एक चीज़ को आपके चरणों के पास लाकर, आपसे क्षमा मांगकर, विनती करके एक पवित्र जीवन जीने के लिए मदद करिए। आज के दिन आपके चरणों में विनती करता हूँ। ये वचन सुनने वाले भाई बहनों को याद कर पिता, पाप से छुड़ाइए, नया जीवन, नया मन उनके जीवन में दीजिए, आपके प्यार समाधान में आगे बढ़ाइए, आपके साथ हर समय हर स्थिति में एक संबंध बनाए रखने के लिए मदद करिए। प्रार्थना विनती यीशु मसीहा नाम पे करता हूँ पिता, आमेन। प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, हर एक सोच को परमेश्वर के चरणों के पास रखो, ज़रूर परमेश्वर आपको आपके बंधन से छुड़ाएंगे। अगर आपको परमेश्वर ने प्रेरणा दिया है तो ज़रूर इस सेविकाई में सपोर्ट करिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमेन।